गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? कैसे? आँखों से। आँखों से हम देखने का काम करते हैं ना। और आप मेरी आवाज़ कैसे सुन पा रहे हैं? अपने कानों की मदद से। आँख, नाक, कान, ये सभी क्या है? हमारे शरीर के अंग। तो आज हम शरीर के कुछ अंगों के नाम जानेंगे। आइए मिलते हैं राजू से, जो हमें शरीर के अंगों के नाम और उनकी उपयोगिता के बारे में बताएगा। चलिए चलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको हमारे शरीर के कुछ खास अंगों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उन अंगों का क्या इस्तेमाल है। आइए शुरू करते हैं। ये है बाल, यानी कि हेयर। ये है आँखें, आईज, जिनसे हम देखने का काम करते हैं। ये है कान, ईयर्स, जिससे हम सुनने का काम करते हैं। ये है नोज, नाक, जिससे हम सुगंध या दुर्गंध का पता लगाते हैं। ये है मुंह, यानी माउथ, जिससे हम बोलते हैं। ये है गर्दन, यानी कि नेक, जिससे हम अपने सिर को दाएं और बाएं घुमा सकते हैं। ये है कंधे, यानी शोल्डर, जिन पर मैं बैग टांगकर स्कूल जाता हूँ। और ये है मेरा पेट, यानी कि स्टमक। भूख लगने पर ऐसा लगता है मानो इसमें चूहे कूद रहे हों। ये है मेरा फेस, यानी कि चेहरा, जो आकार में गोल है। ये है मेरा हेड, यानी कि सर, और सर के ऊपर होते हैं बाल। ये है फोरहेड, यानी कि माथा। ये है आईज, यानी कि आंखें, और आंखों के ऊपर ये है आईब्रो, यानी कि भौहें। ये है माउथ, यानी कि मुंह, और मुंह के अंदर होते हैं टीथ, यानी कि दांत, जिनसे हम किसी भी खाने की चीज को चबा सकते हैं। ये है टंग, यानी कि जीभ। जीभ से हमें किसी भी वस्तु का स्वाद पता लगता है। ये है लिप्स, यानी कि होंठ, जिनकी मदद से हम शब्दों को बोल सकते हैं। ये है मेरे हैंड्स, यानी कि हाथ, और ये है आर्म्स, यानी कि भुजाएं। भुजाएं हाथों को ताकत देती हैं। ये है एल्बो, एल्बो यानी कोनी। कोनी से हम अपनी भुजा को घुमा सकते हैं। ये है फिंगर्स, प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। और ये है थंब, यानी कि अंगूठा। ये है नेल्स, यानी कि नाखून। ये है पाम, यानी कि हथेली। इसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को छूकर उसका पता लगा सकते हैं। ये है रिस्ट, यानी कि कलाई। कलाई की मदद से हम अपने हाथों को घुमा सकते हैं। ये है लेग्स, यानी कि टांगे। टांगों की मदद से हम दौड़ सकते हैं और चल सकते हैं। ये है नी, यानी कि घुटने। घुटनों की मदद से हम अपनी टांगों को मोड़ सकते हैं और हिला सकते हैं। ये है फुट, यानी कि पैर। पैरों की मदद से हम खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। ये है हील, यानी कि एड़ी। ये हमारे पैर का पिछला हिस्सा होती है। और ये है टोज, यानी कि पैरों की उंगलियां।